साथियों नमस्कार। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने आना पड़ा है, एक ऐसी बात को लेकर जो इन दिनों पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा में लगभग 14-15 दिनों से 41 मजदूर एक सुरंग में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं। अमेरिका से मशीनें आई, ऑगर मशीन जो पहले ऑगर मशीन थी वो भी टूट गई, खराब हो गई, और दिल्ली से आई ऑगर मशीन भी टूट गई। कल उसका ब्लेड टुकड़े टुकड़े में निकाला गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गई मशीन। और अब आगे का काम, लगभग 10 मीटर बचा हुआ है, 41 मजदूरों को निकालने में केवल 10 मीटर की दूरी बाकी है, लेकिन फिर भी अभी तक उनको नहीं निकाला जा पाया है। सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन क्या इस बारे में किसी ने ध्यान दिया कि बार बार जब लगता है कि उन मजदूरों को निकालने के काफी निकट पहुंच गए हैं हम लोग, फिर भी ऐसी अड़चन क्यों आ जा रही है, बार बार क्यों बाधा आ रही है? वे 41 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग में फंसे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं किस तरह से उनका जीवन बच सके। पूरी सरकार आज विफल नजर आ रही है, उत्तराखंड की सरकार हो, दिल्ली में बैठी मोदी जी की सरकार हो, विफल नजर आ रही है। कारण पता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, और उससे भी बड़ी बात है संस्कृति के साथ छेड़छाड़, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास। जो सरकार आज खुद को संस्कृति के संरक्षक सरकार के रूप में साबित करने पर तुली है, उसी सरकार ने संस्कृति के साथ इतना छेड़छाड़ किया कि आज उन मजदूरों के जीवन पर उसकी छेड़छाड़ भारी पड़ गई। उनका परिवार आज बिलख रहा है, कलप रहा है, रो रहा है। देश की दुआएं हैं उन मजदूरों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ। हम सभी चाहते हैं कि वे मजदूर सकुशल स्वस्थ जल्द से जल्द बाहर आ जाए और अपने परिवारों से मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप जानते होंगे कि उस सुरंग को बनाने के लिए प्रकृति को तो तहस नहस किया ही जा रहा था, पहाड़ पर्वत देवता को नष्ट किया जा रहा था, उनके सीने में छेद करके न तो उनसे उसके लिए क्षमा याचना की गई, न माफी मांगा गया, बस छेद करने लगे कि इधर से उधर तक एक आसान और सुगम रास्ता बना दिया जाए मानव के लिए, इंसानों के लिए। लेकिन प्रकृति माता से क्या इसकी अनुमति ली गई? वहां सुरंग जहां बनाया जा रहा था, वहां बाबा बौखनाग देवता का मंदिर था, उसको वहां से हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया, संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया। जब आप देवी देवताओं को छेड़ते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि उनको छेड़कर आप सकुशल रह जाएंगे? गलतियां सरकारों की भुगत रहे हैं गरीब निर्धन मजदूर और उनके परिवार बेबस, क्या करें। आज भी जब ग्रामीणों का दबाव बना तो बाबा बौखनाथ देवता का मंदिर एक और स्थान पर स्थापित करके पूजा अर्चना की गई, लेकिन बस, क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? प्रकृति से माफी मांगी गई, क्या कुछ नहीं हुआ? बाबा बौखनाग देवता के आगे रो रो कर बिलख बिलख कर माफी मांगनी होगी, क्षमा याचना करना होगा। इन मजदूरों की जिंदगी केवल उन मजदूरों की जिंदगी नहीं है, हमारे देश के हर एक एक नागरिक की जिंदगी है। हर आदमी कल इसी तरह से तड़पने को विवश हो जाएगा यदि इन सरकारों ने प्रकृति और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया तो। आज भी समय है, लगातार हमेशा खबर मिलती है कि बस मजदूरों को निकालने की तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी, मजदूर किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। शुक्रवार को तो यहां तक समझ में आया था, सुनने को आया था कि कुछ ही घंटे बाकी हैं, मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन शुक्रवार बीत गया, शनिवार बीत गया, रविवार बीत गया, बीतता हुआ नजर आ रहा है, आधा दिन तो पार हो गया। अब मैनुअल डिगिंग यानी
मानवीय रूप से खुदाई का काम किया जाएगा और मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जाएगा, इसमें और लंबा समय लगेगा। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं वे प्रकृति के आगे आकर उस स्थान पर बाबा बौखनाग देवता के सामने नतमस्तक होकर, सब जगह तो वो चले जाते हैं, सर झुका देते हैं, उनके आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हुए, मजदूरों की जान की भीख मांगते हुए क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं उनको निकालने के लिए पूरा संस्कृति का सहारा ले रहे हैं? प्रकृति का क्यों मान मर्दन किया जा रहा है? प्रकृति माता से माफी मांगते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी सनातन संस्कृति की दुहाई देते हुए जो भूल हुई, बाबा बौखनाग देवता के मंदिर को वहां से अलग करने का जो भयंकर भयंकर भूल उन्होंने किया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो प्रकृति को बचाने के लिए है, संस्कृति को बचाने के लिए है, जो देवी देवता है, जो संरक्षण के लिए लगे हैं, अब उन्हीं को तहस नहस कर देंगे और आप उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सकुशल हो? ऐसा कैसे हो सकता है? संभव है कि आपने मशीनों के माध्यम से किसी प्रकार मजदूरों को निकाल भी लिया, परंतु आज उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति जो हो चुकी है, इसका उत्तरदायी कौन है? आज भी समय है उन मजदूरों के लिए, उनके परिवारों के लिए और अपने देश के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए संस्कृति और प्रकृति की पूजा करते हुए हाथ जोड़कर हृदय से माफी मांगते हुए यह आराधना कीजिए, प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे आग्रह है कि ऊपर वाले का खौफ खाइए, संस्कृति की मर्यादा समझिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करते हुए प्रकृति माता के आगे, बाबा बौखनाग देवता के आगे नतमस्तक होकर मजदूरों के जान की भीख मांगते हुए उनको सकुशल निकालने का प्रयास कीजिए। केवल मशीनें ही सब कुछ कर लेंगी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर इंसानों की जरूरत ही क्या होती, आवश्यकता ही क्या होती? आज भी समय है उन मजदूरों को सकुशल निकालना। हम नागरिकों की जो इच्छा है उससे अधिक सरकार का उत्तरदायित्व है, जिसके कारण आज वे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आज इस बात को समझना जरूरी है कि संस्कृति के आगे विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान चाहे जहां भी पहुंच जाए, परंतु संस्कृति का नाश करके, प्रकृति को छेड़कर विज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होगा। विज्ञान के रास्ते पर, केवल यदि विज्ञान के रास्ते पर चलेंगे तो विकास नहीं विनाश होगा, वही हो रहा है। आज विनाश के रास्ते पर आ गए हैं, अभी भी समय है। प्रकृति से माफी मांगिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर। प्रधानमंत्री जी, आपसे भी आग्रह है, पुष्कर सिंह धामी सीएम और गडकरी जी, आपसे भी, जो जो देश के कर्णधार बने हुए हैं उन सबसे आग्रह है, संस्कृति को पहचानिए, प्रकृति को पहचानिए। प्रकृति है तो प्रगति है, नहीं तो सब विपत्ति है। इस बात को ध्यान रखिए, संस्कृति के आगे नतमस्तक हो जाइए, सनातन धर्म के आगे नतमस्तक होकर सनातन धर्म की दुहाई देते हुए उन मजदूरों की जान की भीख मांगिए, और तब जाकर पूरी उम्मीद है कि वे मजदूर जल्द से जल्द निकलेंगे और आगे कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, उन्हें निकालने के रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा बार बार आप प्रयास कर रहे हैं और प्रयास विफल हो रहा है, जिंदगी मौत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। मात्र आधा किलोमीटर के अंदर 41 मजदूरों का फंसा होना कितना भयावह होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस बात की कल्पना तो कीजिए। कल्पना करेंगे तो रूह सिहर जाएगी, आत्मा कांप उठेगी। परंतु आप प्रधानमंत्री जी, आप हर जगह जा सकते हैं, जाते रहते हैं, एक बार वहां जाकर बाबा बौखनाग देवता के आगे नतमस्तक होकर, पर्वत देव के आगे नतमस्तक होकर पर्वत राज से क्षमा मांगिए और मजदूरों के जान की भीख मांगिए। इसी में सबकी भलाई है, उन मजदूरों की भी, उनके परिवार की भी, देश के हर एक नागरिक की भी और आपकी भी। इस बात को
मानिए, समझिए और इस बात पर अमल कीजिए। हो सकता है कि वो मजदूर जो आपकी अपेक्षा है उससे पहले सकुशल बाहर निकल आए। प्रकृति को मत छेड़िए, संस्कृति को मत बर्बाद कीजिए, सनातन धर्म के साथ मत खेलिए। बाबा गोखनाथ देवता के आगे नतमस्तक हो जाइए और उन मजदूरों के जान की भीख मांगिए। नमस्कार।